रहमान रहीम, आज हम बनाने लगे हैं आलू के कबाब। और इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो हैं 1 किलो आलू, जिनको हमने बॉईल करके रख लिया था और ऊपर से हमने छिलका भी उतार लिया है। 1 प्याली चॉप किए हुए प्याज, ऑनियन, कोरिएंडर लीव्स यानी सब्ज़ धनिया 1 प्याली, अब 1 गट्ठी भी हो सकता है, ये है बारीक कटा हुआ। सब्ज़ मिर्चें जिनको हमने बारीक काट लिया है 1 चम्मच, लहसुन का पेस्ट लिया है एज अ टेस्ट, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप ना डालें। सूखा पुदीना ये जायके के लिए है 1 चम्मच के बराबर। 3 अंडे लिए हैं, कुटी लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, धनिया का पाउडर कुटा हुआ, टर्मेरिक पाउडर, हल्दी का पाउडर 1 चम्मच। आप चाहें तो इसको इस्तेमाल करें, ये ऑप्शनल है, हम सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सफ़ेद ज़ीरा और साथ में थोड़ी सी ये रही अजवाइन, चुटकी भर ली है हमने। गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा जो है वो 1 चाय का चम्मच था और जो अजवाइन थी वो चुटकी भर थी। साल्ट, नमक 1 चाय का चम्मच, फ्राई करने के लिए ऑयल। चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। आइए जी, अब इसको बनाना शुरू करते हैं। इनको हाथ से ऐसे मसल लें, आप चाहें तो मैश कर सकते हैं किसी उसमें, हम सारा कुछ हाथ से कर रहे हैं। रेड चिली पाउडर जो कि 1 चम्मच है वो हम इसके अंदर डालने लगे हैं। कोरिएंडर पाउडर जो कि 1 चम्मच है, हल्दी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या ना डालें, हमने आधी चम्मच ले ली है। ज़ीरा 1 चम्मच और अजवाइन चुटकी भर, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, साल्ट, नमक 1 चाय का चम्मच, सब्ज़ मिर्चें जिनको हमने काट के रखा हुआ है बहुत बारीक काटा है वो डाल देते हैं। थोड़ा सा कुटा हुआ लहसुन वो हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा पुदीना लिया है सूखा, आप चाहें तो
इसके सब्ज पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिंट लीव्स जो होते हैं, लेकिन मैं इस वक्त सूखा इस्तेमाल कर रही हूँ। धनिया एक गठी, फाइन चॉप प्याज ऑनियन, थोड़ा मिक्स करके फिर डाल लेते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैश करके 10 मिनट के लिए रख लिया था, अब ये मैरिनेट हो चुका है। हमने पैन जो है ना वो ले लिया है, उस नीचे ये जो आंच है चूल्हा जो है वो जला दिया है, कुकिंग ऑयल है, और ये अंडा जो है ना उसको हमने बीट कर लिया, फेंट लिया है। अब हम बनाना जो है शुरू करते हैं। इसे हल्का सा इसको अच्छी तरह गर्म कर लें और ऑयल जो है वो डाल दें। इसमें थोड़ा ऐसा कुछ डाल के देख लें कि ये गर्म हो चुका है कि नहीं। ये गर्म हो चुका है, अब हम इसमें टिक्की बनाना शुरू करते हैं। अब आप इसको व्यूअर्स इसको ऐसे आपने बना लेना है, किसी की शक्ल दे देनी है, जैसे कबाब की तरह होता है। और अब हम इसको एग में डिप करके ऐसे, आप चाहें तो इस पे ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, लेकिन हम जो है एग इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे सारे जो हैं आलू के कबाब जो हैं वो आपने फ्राई कर लेने हैं, साथ साथ इन पे
हो और ना इतनी कम हो, दरमियानी रखनी है ताकि वो सही पक सके। जब ये दोनों साइड से लाइट ब्राउन हो जाए तो आपने इसको उतार लेना है। व्यूअर्स, ये हमारे आलू के कबाब जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं और इनकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये बहुत ही मज़े के बने हैं, हमने इनको टेस्ट किया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें मिसाले जो हैं ना वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं।